नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह। आज देखिए, जो मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ, ये सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है, जो आपको एक सिंगल पॉकेट, जो डोर सीजर मशीन आती है, एक एल्टा का मल्टी टेन मॉडल है, और ये है मल्टी टेन प्रो, ये आती है डबल पॉकेट में। इन दोनों के मैं फर्क बताऊँगा, इन दोनों के क्या फीचर होते हैं, इन दोनों की मतलब सिंगल पॉकेट और डबल पॉकेट में क्या फ़र्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये मशीन के बारे में आप जान लीजिए। ये मशीन आपका बहुत ही मतलब बेहतरीन लुक में आती है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आती है। इसमें 8 रोड पकड़ने के 6 सेंसर होते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि फेक रोड तो पकड़ी रही है। मान लीजिए किसी भी सस्ती वाली होती है वो भी फेक रोड पकड़ती है, महंगी वाली वो भी फेक रोड पकड़ती है। तो फेक रोड पकड़ने के कई सेंसर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक नोट है, इसमें से एक आपका कोई कागज़ चेक करेगी, कोई स्ट्रिप चेक करेगी, कोई इसका IR चेक करेगा, कोई मेटल चेक करेगा, कोई डायमेंशन चेक करता है, कोई कलर चेक करता है। इसके अलावा इन दोनों मशीनों में आप जो फीचर है वो आपका दोनों तरह दो सेंसर है, जिसमें आपका मतलब दोनों तरफ वाले जो नंबर होते हैं नोट के वो भी स्कैन करती है, और आपका यहाँ डिस्प्ले पे शो भी कर देती है कि जो नंबर आपका रहेगा। इसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आपकी ये नोट है, देखिए इसमें इसने 29 ने इसको काउंट किया है, एक इसने निकाला है, बाकी 14,500 किया है। इसको निकाला क्यों ये भी मैं बताता हूँ आपको। इस पर देखिए आपका IR के ऊपर पेन लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, देखिए IR 59 ने किया है, मतलब इसको डिसन किया है। बट ये ओरिजिनल नोट है, फेक नोट नहीं, क्योंकि इसमें देखिए आपका उसका फिर मैनुअली वो करना पड़ेगा। ये आपका देखिए, इसमें आप दोनों सीनों में आपको अप टू 24 करेंसी मिल जाएगी, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से किस किस देश की करेंसी है। बाकी अगर आपको देखना हो तो अगर आपको कोई और करेंसी चाहिए जो इसमें ना हो और आपको चाहिए होगी, तो उसके लिए इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, और सॉफ्टवेयर आप अपडेट करवा सकते हो हमारे पास से। बाकी इन दोनों मशीनों को बाय करने के लिए हमारे कॉल नंबर पर संपर्क कर सकते हो, हमारा कॉल नंबर आपको पीछे शो हो रहा होगा 9696701171। बाकी मैं एक लैंडलाइन नंबर बता देता हूँ, 011-4047-2455 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप दोनों से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाकी देखिए इसमें मैं दिखाता हूँ आपको इन दोनों मशीनों में, जैसे ये मान लीजिए आपका मिस नोट है, ये आपका मिस नोट है, इसमें क्या होता है, जैसे इसको मैं देखिए मिस कर लेता हूँ, इसमें आप काउंटिंग करोगे, अगर आप देखिए ये मिस में काउंट कर रहे हो, मिस नोट में काउंट कर रहे हो, इसमें देखिए एक नोट को पकड़ा है इसने, याद देख लीजिए किसने पकड़ा है, अननोन नोट है इसको। अब देखिए अगर आप MBC में काउंटिंग कर रहे हो, MBC मोड में देखिए आपको यहाँ टोटल फीस शो करेगा, टोटल अमाउंट शो करेगा। अगर आपको रिसिप्ट देखनी हो तो यहाँ भी आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, कौन सी नोट कितनी है सब आपका डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। और अगर आपको पकड़ना हो इसमें से, अगर आपको अलग अलग करना है, मान लीजिए इसमें आपका मिस नोट है, इसमें आपका मिस नोट है, इसको आपको अलग अलग करने हो, तो यहाँ देखिए यहाँ MBC लिखा हुआ है, एक बार क्लिक करेंगे CND आ जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे SDC आ जाएगा। SDC में इसको आपको काउंट करना है, तो आपका जो आपकी पहली नोट रहेगी उसको मशीन आपका अलग कर देगी, नीचे कर देगी, बाकी उससे डिफरेंट जो भी नोटें रहेंगी आपका ऊपर पकड़ में आ जाएगा आसानी से। अभी देखिए ये आपकी नोटें अलग अलग हो चुकी हैं, देखिए इसमें ऐसे कोई डिफरेंट नोट नहीं है, बाकी जो डिफरेंट नोट थी वापस सारा यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे ऐसे फीचर होते हैं। और सेम मशीन अगर आप इसमें काउंट करेंगे सिंगल पॉकेट वाले में अगर कोई अगर आप MBC में काउंट करते हैं, तो जो नोट रहेगी वो बार बार अगर कोई डिफरेंट नोट आएगी उसको बार बार रोकती रहेगी, उसको आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, और यहाँ से आप प्रेस करोगे तो वो आपकी दोबारा काउंटिंग करेगी। इसमें दिखाता हूँ आपको MBC में, देखिए मैं आपको एक ही डाल देता हूँ, दो डाल देता हूँ, क्योंकि वो मैनुअली निकालना पड़ेगा, फिर समय लगेगा उसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कोई अगर डिफरेंट नोट आएगा तो इस तरीके से निकलेगा, देखिए आपको मैनुअली निकाल के फिर यहाँ प्रेस करना पड़ेगा अगर कोई डिफरेंट नोट आएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इस मशीन में ऐसा नहीं है, इसमें अगर कोई डिफरेंट नोट आता है तो इसमें ये ऊपर वाले पॉकेट में रह जाएगा, बाकी जो आपका जो गड्डी बनानी है जो सिंगल नोट की वो आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। बाकी ये देखिए आपका, इसमें अगर आपको और भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए एड मोड हो गया, उसके बाद एड मोड हो गया, इधर देखिए आपका बैच मोड मिलता है, यहाँ से आप बैच बना सकते हो गड्डी का, इसको आप देखिए एक से लेके 200 तक के बारे में बना सकते हो, 200 के ऊपर यहाँ की जो चलता है 200 की नोट की होती है, दोनों मशीनों की ऊपर आप 500 नोट तक रख सकते हो, आपके ऊपर आप कितना रख सकते हो,
नीचे आपका 200 नोट रहेगा, जो आपका बैच वो ऑटोमेटिक बैच होता है। बाकी उसको आपको कब ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें देखिए और भी आपका जो फीचर मिलते हैं, मैंने दिखाया सीरियल नंबर का, तो देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर भी स्कैन करती है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। आपको अगर सीरियल नंबर मिलाना हो तो आप मिला सकते हो। ये देखिए यहाँ पर, देखिए पहला सीरियल नंबर है, ये देखिए दूसरा आपको देखना हो, ये देखिए ऐसे आप सीरियल नंबर इसका मिला सकते हो। अगर आपको इसको PDF बनाना हो, दोनों मशीनों में आपका सीरियल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है कि हमने कौन कौन सीरियल नंबर के नोट किसी को दिए हैं, तो उसके लिए इसको आपको एक वायर आती है, उसमें आप अपने सिस्टम से या लैपटॉप से अटैच कर सकते हो, जिससे आपका सारी से PDF बन जाएगा, और PDF बना के आप लेजर प्रिंटर से प्रिंट भी मार सकते हो। इसमें देखिए आपका, ये देखिए HDCV हो गया जो मैंने अभी बताया आपको शॉटिंग मोड। तीसरा आ गया HDCV है, इसमें क्या होता है से आपके पास 100 के नए नोट है और 100 के पुराने नोट है, दोनों हैं, तो उसके लिए यहाँ से यूज होता है उसको अलग अलग करने के लिए, कि अगर 100 का नया नोट है तो अलग हो जाए और पुराना नोट है तो अलग हो जाए। तो दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, EMDC तो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, मिसकाउंटिंग जो होती है वो MDC बोलते हैं। एक इसमें आता है CNT ये होता है, काउंट मोड होता है, इसमें आपका फेक नोट नहीं पकड़ेगी, केवल आपको काउंटिंग करके पीस देगी कितने पीस नोट है, चाहे आप ओरिजिनल डालोगे या फेक डालोगे। बाकी मैं करेंसी तो आपको दिखाई चुका हूँ, इसमें आप देख सकते हो करेंसी आपको अपनी 24 देश की करेंसी मिलेगी। ये देखिए अगर किसी देश की आपको लग रही है कि इसको हमें ज़रूरत है और वो बंदा इसमें नहीं है, तो आप मतलब अलग से इसमें ऐड भी करवा सकते हो, इसमें आप 60 देश की करेंसी तक अपडेट करवा सकते हो। CNT आपका इसमें भी है, केवल इन दोनों फर्क इतना है कि ये डबल पॉकेट में आती है, जो आपका इसमें नोट होगा या फ्रेम नोट होगा तो ऊपर आ जाएगा, बाकी जो ओरिजिनल नोट होंगे नीचे चले जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप काउंट करोगे कोई फेक नोट आता है या कोई डिफरेंट नोट आता है तो वो आपको मशीन रुक जाएगी वहीं पे, आपको मैनुअली निकाल के दोबारा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इन दोनों मशीनों आप लोग वीडियो में कमेंट कर बताइए, ये दोनों मशीन आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये दोनों मशीनें बाय करनी है, या दोनों से कोई भी बाय करनी हो, या किसी भी टाइप की नोट से बाय करनी हो, बाय करने हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको पीछे शो हो रहा होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, अगर हमारा एड्रेस चाहिए तो हमारा एड्रेस आपको बहुत मिल जाएगा। बाकी अगर कोई और प्रोडक्ट से पेपर सेंटर पेपर कटर बाय करने हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सिनेक्शन के साथ। थैंक यू।